सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल, वेलकम टू मॉम्स पैराडाइज किचन। अज मैं तुहाडे नाल शेयर करूंगी पनीर ब्रैड पीज़ दी रेसिपी। ये मैं ले रही 100 ग्राम पनीर। मैं इस तरह क्यूब्स कट लिया, तुसीं अपने हिसाब नाल छोटे वड्डे पीस कर सकते हो। ये मैं ले रही प्याज। प्याज मैं इस तरह थोड़ा जिहा लंबा थोड़ा जिहा मोटा कट्टिया। इस तरीके नाल मैं शिमला मिर्च कट्टी है। तुसीं चाहो तो लाल ते पीली शिमला मिर्च भी ले सकते हो, मेरे को सिर्फ यही सी इसलिए मैं यही ले रही हूँ। उस तो बाद आपां फ्राई पैन 'च 1-2 चम्मच घिओ पा के पनीर नूं आपां हल्का जिहा फ्राई करांगे। ज़्यादा भी नहीं आपां करना, जो हल्का जिहा फ्राई करना, फिर इहदे नाल ना टेस्ट पीज़े दा बहुत ही अच्छा आएगा। बस हल्का जिहा ब्राउन कलर आ जाए उन्ना के आपां इहनूं फ्राई करना। देखो कलर हो गया पनीर दा चेंज, बस इन्ना के आपां करना। ये आप ठंडा होने रख देने। हम सेम फ्राई पैन विच में प्याज ते शिमला मिर्च सब्जियां हल्की जी फ्राई करांगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है। बस जस्ट अपन कच्चा पन जिहा ना आवे पीजे च, बस उन्ना कि आप इन्हें फ्राई करना, थोड़े थोड़े क्रंची भी रहने। ये बहुत ही अच्छा ते टेस्टी पीज़ा बनता घर, बहुत ही ज़्यादा हैल्दी ते बहुत ही ज़्यादा सस्ते विच, ते बच्चों का दिल भी खुश हो जाता खा के। हल्के हल्के फ्राई करांगे सब्जियां। हाँ देखो ज़्यादा कलर नहीं आप चेंज करना, जस्ट इन की करनिया ने। यह जो आप होने देने ठंडे, ठंडे होने तो बाद मैं पनीर मिक्स करता सब्जियों में। इवें पानी थोड़ा जहा नमक थोड़े लाल मिर्च पाउडर ये ठंडिया होने तो बाद पावे आप, मिक्सड हर्ब्स पा देंगे ये आप, चिली फ्लेक्स पा देंगे एंड पीज़ा मिक्स पा देंगे। जेडे भी सीजनिंग्स अपने को घर होनगियां आप वो पा देनिया ने, इन्हें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह इन्हों कर देंगे मिक्स। सब्जी होंगे मिक्स अपने सारे बिच, आप नमक तो मिर्ची पाया, बाकी सीजनिंग्स पाई ने, तो मैं कॉर्न पा रही हूँ इस मक्की के दाने फ्रोजन ने। यह तुम चाहो तो घर उबाल के भी पा सकते हो, ये फ्रोजन ने मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे याद आ गया। चलो पाई सी पा लें, टेस्ट होर भी अच्छा हो जाएगा इतना। पर ऑप्शनल तुम पाना चाहो तो पा सकते हो, नहीं इस तो बिना भी बना सकते हो। चलो आप समान कर लिया तैयार सारा। ये मैं लेने ब्राउन ब्रैड, पीज़ा सॉस, चीज़ तो सब्जियाँ अपन जो तैयार करें। ब्रैड के उपर पहले पीज़ा सॉस स्प्रैड कर देंगे अच्छी तरह। ये पीज़ा सॉस थोड़े को नहीं हैगी तो तुम टोमैटो कैचअप भी यूज़ कर सकते हो। इतने पीज़ा सॉस बाजार वाली है, वैसे जो पीज़ा सॉस घर पाते तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता, वही रेसिपी मैं तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगी। पीज़ा सॉस स्प्रैड करने तो बाद आप सब्जियां लगा देंगे उपर। सब्जियों के कोई अपनी पसंद की होर सब्जी भी ऐड कर सकते हो, मेरे को जो घर अवेलेबल से मैं घट तो घट मैं उही यूज़ करी ने। ब्रैड पीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा घट टाइम बन के तैयार हो जाता। तुसीं थोड़े जो थोड़े समान नाल भी बना के तैयार कर सकते हो, और ये डाइजेस्ट भी ब्रैड वाला जल्दी हो जाता मैदे वाले पीज़े नालों। तो सब्जियां देखो आप कर लिया स्प्रैड उपर, सब्जियां स्प्रैड करने तो बाद आप उपर लगा देंगे चीज़। जी मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये फ्रोजन चीज़ है, ये और ये ग्रेटेड ही मिलती है, तो तुसीं स्लाइस वाली भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेट करके भी पा सकते हो। ये स्लाइस भी उपर तुसी रख सकते होंगे। चीज़ आप करते स्प्रैड, तो आप हम इनू रखेंगे फ्राई पैन च गैस से बनाने लिए। मैं सर नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया, गैस रख लिया, थोड़ा जहा पावे ऑयल ये
रिफाइंड ऑयल पा लो चाहे देसी घ्यो पा लो, बटर भी पा सकते हो। मैं देसी घ्यो पा रही हूँ, बटर भी पा सकते हो तुसी। थोड़ा स्प्रेड करके घ्यो नू तो अपने जो ब्रैड आप तैयार करें पीज़ा लई वो रख देंगे। ये गैस बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि ना ब्रैड अच्छी तरह नीचे सिक जाए, जलन ना फ्लेम हाई कर देंगे तेज कर देंगे तो ब्रैड जो जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगने। इसलिए चीज़ भी मेल्ट हो जाए तो ब्रैड भी ज़्यादा ना जलन, जस्ट ब्राउन जी क्रिस्पी जहा बेस बन जाए इन्हों का। देखो ब्रैड बन के तैयार ने, ये मैं कट ले से मैं नैक्सट मैं दो स्लाइस होर रखते इस देखो चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। दो ढाई मिनटों में यह चीज़ मेल्ट हो जाती है। उपर आप सीजनिंग्स लगा देने जी, जो भी सीजनिंग्स अवेलेबल ने आप लगा देने। हम तुम कटिंग करके तो नीचे बेस कलर दिखावांगी, बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता। और पनीर जी आप फ्राई करके बनाने ना तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता, जो कच्चा पनीर यूज़ करते हो तो कच्चा पन जा जाता। लो जी तुम भी जरूर ट्राई करो रैसपी और किदा की लगी मैं जरूर दस्यो। देखो बेस का कलर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो लाइक करना, चैनल पर नवे हो तो सबसक्राइब करना। मिलते हैं एक नवी रैसपी लैके, टिल दैन गुड बाय।